स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। सारे जगत की पंचायती से फुर्सत मिले तब तो टाबर का ध्यान दो ना। नाका नाना संतोष, संतोष अठे संध्या बिंदी का घर है, चल वहीं का गाना को पानी पिला दे वहीं से। अरे सोच के रही है संतोष, चलना बेचारे को प्यास लगी है। अपना घर कोई चांद पर ना है, घर अचानक। ये संतोष भावो लीजिए, कान्हा को पानी पिला दीजिए। मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। अरे ये कैसे फट गया? क्या हुआ? आप मुस्कुरा क्यों रहे सूरज? क्या ना कुछ आवाज आई थी। हाँ वो मेरा, ये आजकल के दर्जी भी ना कच्चा धागा इस्तेमाल करते हैं, ढंग से सिलाई नहीं है। अब की बार जाऊंगी ना उसकी दुकान पर तो बोलूंगी, जब पैसे पूरे लेते हैं तो कम से कम सिलाई तो अच्छी करके देनी चाहिए ना। बिल्कुल सही बात, लेकिन एक बात बोलू, ये दर्जी की गलती नहीं है। वो क्या ना कि आजकल आप थोड़ी मोटी हो गई हैं। एक हलवाई की पत्नी होने का फल मिल रहा है आपको, खाते पीते घर की लग रही हैं आप। कुछ भी मत बोलिए सूरज जी, मैं बिल्कुल मोटी नहीं हुई हूँ। अब देखिए तो। हाँ ये ना उस दर्जी की गलती है, मेरे बाकी सारे कपड़े तो अच्छे से आते हैं। अब बेकार में मत परेशान कीजिए मुझे, मैं बिल्कुल मोटी नहीं हुई हूँ। सही कह रही हैं आप, इसमें उस दर्जी की ही गलती है। क्या ना कि समझदार पति वही होता है जो पत्नी की हाँ में हाँ मिला दे घर की महामारी से बचने के लिए। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। हाँ हाँ तिलु है दुकान पे, मैं जरा चाय पी के आता हूँ। संध्या जी, संध्या जी ये कैसे? मैं चाय चढ़ाकर भूल गई सूरज जी। मैं साफ कर देती हूँ सूरज जी, अभी चाय मैं करता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप कपड़े बदल दीजिए, मैं करता हूँ ये सब। जी जी जी
नहीं सूरज, मैं बना देती हूँ चाय। अब तो आप मान ही लोगे आप मोटी हो गई हैं। इसमें उस बेचारे दर्जी की कोई गलती नहीं है? गलती दर्जी की है सूरज जी, तो अच्छा सिलाऊंगी उसे। बल्कि अब तो ना कभी भी अपने कपड़े सिलने के लिए नहीं दूंगी उसे। अरे आप गुस्सा ना हो, मैं मजाक कर रहा था। ऐसे कैसे गुस्सा ना करूं सूरज जी। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप कपड़े बदल लीजिए, मैं चाय बनाता हूं। नहीं नहीं सूरज जी, चलेगा, आप बैठिए ना, जल्दी बनाइए। सूरज जी, दूध नहीं है, मतलब खत्म हो गया। वो पहले वाली चाय में सारा दूध डाल दिया था। कोई बात नहीं जी, आप छोड़ दीजिए, मैं दुकान पे जाके चाय पी लूंगा। और हाँ, वो टीलू के हाथ में दूध भिजवा देता हूँ। ठीक है। आज मेरी वजह से सूरज जी को बिना चाय पिए ही जाना पड़ा। शायद सूरज जी सही कह रहे थे, मैं सचमुच में मोटी हो गई हूँ। दर्जी को ही देखकर आती है सारे के सारे ब्लाउजेस ढीले करने के लिए। काना, हाँ? क्यों रो रहे हो? घर की चाबी तो मीना बिंदनी विक्रम के पास है और वो तो दूसरे रिक्शे में आ रहे हैं। पता नहीं कितना टाइम लगेगा। कान, इतना क्यों रो रहे? ना ना काना ना। बेटा, ओले ले ले ले। अजी, पानी की बोतल निकालो। आप भी रुक जा काना। खाली है? ये बिंदली पानी डालना भूल गई होगी। सारे जगत की पंचायती से फुर्सत मिले तब तक टाबर का ध्यान दो ना। ना काना ना। संतोष, संतोष आठे संध्या बिंदली का घर है, चल वहीं का काना को पानी पिला दे वहीं से। अरे सोच के रही है संतोष, चलना बेचारे को प्यास लगी है। अपना घर कोई चांद पर ना है, घर अचानक। ये संतोष भाबू लीजिए, कान्हा को पानी पिला दीजिए। चलिए ना, काना को वहां पे आराम से पानी पिला देंगे, और आप लोग भी थके हुए लग रहे हैं। चलिए ना घर चलिए। घर में सारा काम ही सोए पड़े हुए, हम घर के बाहर ही मीना बीनी और विक्रम का इंतजार कर लेंगे। रात 10 बजे आप लोग के खत्म इस घर में मिलेंगे। हाँ
किशोर भाई जी, इस बार फसल बहुत ही चोखी हो रही है। हाँ, सो तो है। तो थे संतोष की तरह मेरे लिए भी बाजरी की 10 बोरी अलग से रख दियो। हाँ हाँ दाई साहब, जरूर। अब की बार ना देसी बाजरी बोई है, बस 2 महीने की बात है, बाजरी घर आ जाएगी। देसी बाजरी को तो स्वाद ही अलग हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा चलते हैं, मीना बीनी घर आ पहुँच गई होगी। चलो। और अठी जी, आपकी टोकरी छूट गई। धन्यवाद, संतोष को पता नहीं चला। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।